हेलो यूट्यूब दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं मेरे पास एक रोटविला फीमेल है जिसकी मैं आज मीटिंग 13 डेज पर करवाने जा रहा हूँ। जैसा कि बड़े बड़े धुरंधर कहते हैं कि बिच की मीटिंग 11, 13 और 15 दिन करवा लेनी चाहिए जब उसका पीरियड का ब्लड रेड से पिंक हो जाए, तो मैं उनके अनुसार ही पहली बार इसकी मीटिंग 13वें दिन करवाने जा रहा हूँ और एक ही मीटिंग करवाऊंगा। और ये रही मेरी जिम्मी। जिम्मी इधर आ ले, ये देखिए मेरी फीमेल है। एक ही मीटिंग करवाऊंगा, उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, कंसीव करती है नहीं करती है, वो मैं आपको आपके आने वाली वीडियो अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि एक जो उनका अनुमान होता है 11वें 13वें 15वें दिन ये कितना सही रहता है कितना गलत रहता है, या आपको प्रोजेस्टेरोन लेवल चेक करवा के ही मीटिंग करवानी चाहिए। क्योंकि मैंने अभी तक कोई प्रोजेस्टेरोन लेवल वगैरह कोई चेक नहीं करवाया, ना वजीना साइकोलॉजी वगैरह कुछ नहीं करवाया। तो आशा करता हूँ मेरे जो पुराने धुरंधर साथी हैं जो बताते हैं 11वें 13वें 15वें दिन उनकी बातें सही निकले और मेरी फीमेल भी कंसीव करे। तो ये सब आने वाले टाइम में ही पता लगेगा, जैसे भी अपडेट होता रहेगा मैं आपको अपने इस चैनल पर अपडेट करता रहूँगा। तो गाइस प्लीज़ आगे के अपडेट पाने के लिए और मेरी वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी डॉग से रिलेटेड या उसकी मीटिंग से रिलेटेड या उसके प्रोफेशनल लेवल वगैरह से रिलेटेड जो भी वीडियो होगी मैं आपके चैनल पे मेरे चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके और थोड़ा सा ज्ञान जो मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। धन्यवाद दोस्तों, आपका भाई। तो गाइस मीटिंग करवा दी है अपनी जिम्मी की, अब आगे जाके आपको मीटिंग की वीडियो भी सेंड करता हूँ, यूट्यूब पे अपने अपलोड करता हूँ, आप देख लीजिएगा। और आशा करता हूँ मेरी जिम्मी मेरे बीच जो है वो कंसीव करे और उसके अच्छे और प्यारे बच्चे हों। गाइस जैसा भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा टाइम टाइम पे क्या करना है क्या नहीं करना है क्या करना है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच जाए। तो थैंक यू गाइस, मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। और मैं आपको बीच बीच में ये भी बता देता रहूँगा लगातार कि आफ्टर मीटिंग आपके बीच में क्या क्या बदलाव होते हैं अगर वो बच्चे कंसीव करती है, तो जो भी बदलाव होंगे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो प्लीज़ पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ ताकि मैं जो भी जानकारी दूँ वो मेरे किसी भाई को काम आ जाए। दोस्तों आज तारीख 9/1/2021 और ये मैंने 13वें दिन आज अपनी फीमेल डॉग की मीटिंग करवाई है। और ये जो डॉग है ये है सर्बिया से इंपोर्ट। नाम क्या भैया इसका? डियाज है? डियाज इसका नाम है, डियाज। ये सर्बिया से इंपोर्ट है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, एक में पता लगता है प्रेगनेंसी का, आपको जैसे भी होगा अपडेट देता हूँ। फिलहाल तो मैंने मीटिंग एक ही करवाई है और आगे देखते हैं आगे क्या निकलता है।